वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट टीचर्स. मायसेल्फ कविता थाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेके मोमेंट्स बीएड कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नाउ टुडे माय टॉपिक इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेस ट्रैक एंड फील्ड. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेस ट्रैक एंड फील्ड. ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे. हम लोग जानते ही है एथलेटिक्स मतलब क्या है ना, ये पर्सनल इवेंट है. कोई भी व्यक्ति एक इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको एथलेटिक्स मीट बोलते हैं. और हम लोग जानते हैं गेम्स मतलब क्या है ना, गेम्स मतलब बहुत सारे प्लेयर एक साथ में जो खेला जाता है, जैसे कि फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एक्सेट्रा. तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे एथलेटिक्स के बारे में, ये पर्सनल इवेंट कहते हैं इसको, जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है. ट्रैक एंड फील्ड इवेंट. ट्रैक में क्या ना, जितना सारा दौड़ होता है रनिंग इवेंट किया जाता है. ट्रैक क्या है ना, 400 मीटर एंड 200 मीटर का भी होता है. एंड खिलाड़ी को खिलाड़ियों के लिए कोई भी क्रियाओं का संचालन करने के लिए ट्रैक का जरूरत होता है. देखते हैं आज क्या है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट. ट्रैक खेल जगत के आधारशील है. ट्रैक क्या है ना, खेल जगत के आधारशील है. ट्रैक के अभाव में खेल जगत अपूर्ण है. ट्रैक के आधार में अभाव में खेल जगत क्या होता है ना, अपूर्ण रहता है, संपूर्ण नहीं होता है. बिना ट्रैक में रनिंग इवेंट एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट स्टार्ट नहीं होता है. उसके बाद क्या है, शारीरिक क्रियाओं के संचालन तथा क्रियाओं के कौशल प्रदर्शन के लिए अच्छे ट्रैक की आवश्यकता होती है. शारीरिक क्रियाओं के संचालन तथा क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए अच्छे ट्रैक की आवश्यकता होता है. कोई भी शारीरिक क्रियाओं, जैसे कि हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, एनुअल एथलेटिक्स मीट होता है, अगर हम ट्रैक नहीं बनाएंगे तो खेलकूद नहीं हो पाएगा अच्छे से. तो कोई भी क्रिया प्रतियोगिता करने से पहले मेरे को क्या करना चाहिए, ट्रैक बनाना चाहिए. तो ये ट्रैक का जरूरत होता है. कैसे ना, क्रियाओं के कौशल प्रदर्शन के लिए अच्छे ट्रैक की आवश्यकता होता है. तो आधुनिक युग में क्या हो रहा है देखेंगे. आधुनिक युग में प्रत्येक विद्यालय तथा खेल कराने वाला संस्था के पास अपने एक धावन पथ होना नितांत आवश्यक है. कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी विद्यालय का सामने एंड पास कोई भी संस्था का, खेल कराने वाला संस्था का एक धावक पथ होना चाहिए. ये बहुत ही नितांत आवश्यक होती है ट्रैक का. ये धावन पथ हो सकता 400 मीटर का होना चाहिए, अगर छोटा मोटा मैदान है तो उसमें 200 मीटर का भी होना चाहिए. तो आदर्श ट्रैक कितना मीटर का होना चाहिए, 400 मीटर का. उसके बाद का ना, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत धावक पद, धावन पद की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है हम लोग जानेंगे. पहला पॉइंट है दर्शक को दृष्टि से आयोजन का आनंद लेने के लिए. दर्शक जो बनेगा, हम लोग जानते हैं खेलकूद सब व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, जैसे कि बालक, युवा एंड वृद्ध तक खेलकूद को पसंद होता है. क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का तबीयत ठीक नहीं है, कोई हैंडीकैप है, कोई वृद्ध है, तो वो खेल में भाग लेने में दिक्कत होता है. अगर वो उसी टाइम अगर दर्शक बन के भी वो मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं. तो इसीलिए क्या है, दर्शक ट्रैक देख के वे उसका क्या होता है, आनंद उपभोग होता है. दर्शकों को दृष्टि से आयोजन का आनंद लेने के लिए, जैसे इतना तारीख एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, एथलेटिक मीट है, इंटर कॉलेज मीट है, तो वो ट्रैक देख के उसको आनंद मिलता है. इसीलिए ट्रैक का आवश्यकता बहुत ही है. नेक्स्ट है कि ना, इससे शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का आयोजन आकर्षक होती है. इससे क्या होता है ना, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम का आयोजन का आकर्षक होती है. उसके बाद क्या है ना, धावन पथ की आवश्यकता एथलेटिक क्रियाओं के रुचिपूर्ण बनाने के लिए. जो एथलेटिक होता है, जो खेलकूद में भाग लेना चाहते हैं, उसको क्या है, तो रुचिपूर्ण होना चाहिए. तो क्या रुचिपूर्ण बनाने के लिए, अगर कोई प्लेयर इंटरेस्ट पहले नहीं हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या ट्रैक अगर अलग से ट्रैक बनेगा तो उसको खुद को इंटरेस्ट बढ़ेगा. जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट कैसे नॉट इंटरेस्ट नहीं है खेलकूद में, अगर ट्रैक बनेगा
तो देख के उसको इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या, ना धावन पथ की आवश्यकता एथलेटिक क्रियाओं की रुचिपूर्ण बनाने के लिए, कोई भी व्यक्ति को रुचि मतलब प्लेयर को रुचि बनाने के लिए इसका जरूरत होता है। उसके बाद क्या है, खिलाड़ी को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए, अगर कोई खिलाड़ी को रनिंग इवेंट सिखाएंगे, थ्रोइंग इवेंट सिखाएंगे, कोई भी खेलकूद अगर सिखाएंगे वैज्ञानिक पद्धति से, तो ट्रैक का जरूरत होता है। जब हम कोई शिक्षित एंड प्रशिक्षण व्यक्ति का व्यक्ति से नॉलेज लेके कुछ भी खेलकूद सीखेंगे तो अच्छा से हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो क्या ना वैज्ञानिक पद्धति से कोई भी स्टूडेंट एंड प्लेयर को प्रशिक्षण देने के लिए 400 मीटर का ट्रैक का जरूरत होता है। उसके बाद क्या है, अच्छे वातावरण के लिए वातावरण के निर्माण के लिए अच्छे वातावरण निर्माण के लिए ये ट्रैक का जरूरत होता है। उसके बाद क्या है ना, अधिक से अधिक खिलाड़ी को अधिक से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए अधिक से अधिक खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए ये ट्रैक का जरूरत होता है। जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, तो अगर वो ट्रैक देखेगा तो वो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसीलिए अधिक से अधिक खिलाड़ियों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इसका जरूरत होता है। उसके बाद क्या है, एंड कार्यों के सुगम बनाने के लिए ट्रैक का जरूरत होता है। तो अंडा जैसा है, ये ऐसे टाइप का होते है, 400 मीटर का होना चाहिए एंड इसमें बहुत सारे खेलकूद होता है, जैसे रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट। रनिंग ट्रैक में क्या होता है, रनिंग जो 400 मीटर का ट्रैक होता है इसमें 8 लेन रहता है। रनिंग में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एक्सेट्रा। एंड उसके बाद थ्रोइंग इवेंट में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये सारे थ्रोइंग इवेंट होता है। एंड जंपिंग इवेंट में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये सारे फील्ड इवेंट होते हैं। तो इसीलिए खेलकूद या क्रियाओं को अच्छे से करने के लिए ये ट्रैक का आवश्यकता होता है, बिना ट्रैक में असंपूर्ण होता है। इसीलिए क्या ट्रैक एंड ट्रैक का जरूरत होता है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी खेल खेलने से पहले ट्रैक बनाना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।